नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू जोज होम किचन, अ लव टुवर्ड्स फूड। आज हम बनाने वाले हैं भिंडी रसम। भिंडी रसम एक बहुत ही पॉपुलर आंध्र डिश है। आपके रोज के दाल के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो चावल या रोटी के साथ खाया जा सकता है। तो चलिए बनाना सीखते हैं टेस्टी और इंटरेस्टिंग भिंडी रसम। सबसे पहले कढ़ाई में एक चम्मच तेल गरम कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम एक छोटा चम्मच राई। राई जब फूटने लगे तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। अब डालेंगे लंबे कटे हुए प्याज। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटी हुई भिंडी। भिंडी को हमें थोड़ा सा तेल में भून लेना है, जब तक कि वो थोड़ा सा सुनहरे कलर की ना हो जाए। देखिए हमारे भिंडी और प्याज दोनों ही थोड़े से सुनहरे कलर के हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और धनिया पेस्ट। इसको अच्छे से मिला लेंगे। डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, लगभग एक से डेढ़ चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच सांबार मसाला और नमक स्वादानुसार। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग एक मिनट पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। इमली का पल्प बनाने के लिए मैंने इमली को लगभग 5-6-10 मिनट तक पानी में भिगो के रखा है। इमली को निचोड़ के इसमें इमली का पल्प डाल देंगे। जिससे जो हमारा रसम है वो थोड़ा खट्टा फ्लेवर करेगा और उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसमें हम थोड़ा डालेंगे पानी। रसम हमारा थोड़ा पतला कंसिस्टेंसी वाला होता है। इस रसम को 3-4 मिनट तक हमें बड़ी आंच पे पकने देना है। 4-5 उबाल तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। बस इसके बाद हमारा थोड़ा सा खट्टा तीखा टेम्परिंग भिंडी का रसम रेडी है, जो आप चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब 3-4 उबाल आने के बाद गैस बंद कर दीजिए और गर्मा गर्म रसम सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।